नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। साईश्रद्धा एस्ट्रोलॉजी नूतन अध्याय मुझ ज्योतिर्विद पंडित अजित कुमार दास बोलुन ना स्वागत जनाऊँ। दर्शक बंधु, आज कार्यक्रम आम आलोचना करवा एक सुंदर विषय वस्तु। से विषय वस्तुर नाम हो कौन? वास्तु टिप्स। दर्शक बंधु, गुरुवार दिन बास अल्प चाउल और हलदी दरिद्रता भूली जी आपण घर रास्ता एत टा आस कि संभा पारे ना। हाँ दर्शक बंधु, निश्चित प्रकार आपको ग्यारंटी सहित आम कौ कि स्वच्छ मनोभाव रखी करूँ देखिए 100% ग्यारंटी। दर्शक बंधु, आम तो कार्यक्रम निश्चित प्रकार आरंभ करवा। कार्यक्रम आरंभ करवा पूर्व जो मैंने आम भिडियो को देखुं भिडियो भल लगे लाइक टे करें, अं मान नलेज आम भिड को सेयार करेंगे। जदि आपण मैंने एपर्तंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कर सैट में आसूबा बेल आइकन को दबाई देवे, कारण यही ज्योतिष भित्तिक वास्तु भित्तिक और आध्यात्मिक वीडियो जो आम आम चैनल अपलोड करूँ दर्शक बंधु सर्वप्रथमे आपण देखिपारे। दर्शक बंधु, व्यक्ति जीवन में कठोर परिश्रम करिथाय किंतु अनेक समय रे धन अर्जन करि पारे नहीं। यहा द्वारा घरे और समाज रे मान सम्मान कमी आसी थाय। यहा कारण घरे थिबा खराब शक्तिर प्रभाव होइथाय। यहा दूर करिबा पई किछि खास उपाय करिबा उचित। बृहस्पति जहाँ को कहते बृहस्पति को न ग्रहर मान्यता दिया जाय छे। बृहस्पति ग्रहर प्रभाव बेस प्रभावशाली होइथाय। देवगुरु बृहस्पति हलदिया रंग बेस पसंद करिथांती। दर्शक बंधु, आज आम आपण मानक हलदी में एमती के उपाय गुरुवार दिन करिले घरे दरिद्रता और धनर अभाव दूर होता से विषय कहवाक जाऊ। हलदी को आम घरे अनेक काम व्यवहार करस मांगलिक कार्य हलदी जहाँ कहते हलदिया व्यवहार करा जाए। भगवान जहाँ को कहते विष्णु को अटंती सृष्टि कर्ता अटंती, तांकर प्रिय मध्य हेउची हलदी। तांकर पूजा रे हलदीर प्रयोग करिबा निहाती जरूरी अटे। हलदी रे तिलक करिबा सह हलदिया फूल अर्पण करंतु। पूजा करिबा समय रे मां लक्ष्मी को चरण रे बेलपत्र अर्पण करिले जीवन रे केबे समस्या रहिबो नाही। पूजा रे निज गळा रे हलदी रे टीका लगाइले बृहस्पतिंकर कृपा लाभ होइताय। दर्शक बंधु, गुरुवार दिन स्नान करिबा समय रे हलदी पकाई स्नान करिले दाम्पत्य जीवन रे समस्या दूर होइताय। सूर्य को जल अर्पण करिबा समय रे जल रे हलदी पकाई अर्पण करिले जीवन रे सुखमय रे अतिबाहित होइताय। गुरुवार दिन पानी रे हलदी बा हलदिया हलदी पकाई छिटा मारिले शुद्धता आसी थाय। कौनसी शुभ काम समय रे बाहरिबा पूर्वरो हलदीर तिलक लगाइले कार्य सफल होइथाय। घरर मुख्य द्वार रे हलदियार लेखा करिले खराब शक्ति प्रवेश करि पारे नाही आपनको गृह। दर्शक बंधु, दर्शक बंधु, घरर मुख्य कबाट रे हलदीर स्वस्तिक चिन्ह मने रखिबे। हलदीर स्वस्तिक चिन्ह करिले एहा शुभ संकेत होइथाय। जदि आमे देखिबा दाम्पत्य जीवन रे समस्या रहितिले तुलसी पत्र रे हलदी लगाई भगवान विष्णु को अर्पण करिले एहा दूर होइथाय। गुरुवार दिन स्वातिक भोजन करिबा उचित। एही दिन हलदिया वस्त्र धारण करिबा सह आमिष जहाँ को कहते प्याज और रसुण खाइबा उचित नुहे। नाली वस्त्र गुरुवार दिन पिंधिबा अनुचित अटे। दर्शक बंधु, दर्शक बंधु, एही दिन कहा को टंका देबा उचित नुहे। गुरुवार दिन दीप लगाइबा समय रे दुईटी लवंग पकाइले शुभ होइथाय। एही दिन हलदिया जहाँ को कहते हलदी दान करिले बा हलदिया लड़ू बा हलदिया वस्त्र हलदिया फूल दान करिले स्वास्थ्य समस्या दूर होइथाय। गुरुवार दिन कागज रे हलदीर पुड़िया करी माँ लक्ष्मी का फटो रे लुचाई रखिले धनर अभाव दूर होइथाय। दर्शक बंधु, दर्शक बंधु, ये तो थिला छुटिया कार्यक्रम टे। पुणी एक नूतन कार्यक्रम में मु आपण सहित भेटाइबी। से पर्यंत दर्शक बंधु मते विदाय दियंतु। मु रहुछि, नमस्कार।
जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय गुरुदेव।